वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का ये वीडियो इस वक्त देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे कुछ गंभीर आरोपों को लेकर बना रहा हूं, और इससे पहले भी मैंने उनका जिक्र किया है कि भाई जो आरोप लग रहे हैं उसमें इतने छेद हैं कि कोई भी उसको आराम से देखकर पहचान सकता है। लेकिन आज फिर बात करूंगा और उसी शख्स की बात करूंगा जिसकी वजह से एक नया माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, और उस व्यक्ति का नाम है सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, मेघालय के गवर्नर रहे, बीजेपी में रहे, और आज की डेट में बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर फिर से हमलावर। फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त भी इन्होंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भर भर के सीटें आई और इनके पूरे प्रयास की हवा निकल गई। अब एक बार ये फिर सामने आए, इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी का करप्शन पर कोई ध्यान नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह चीजें इन्होंने इंटरव्यू में कही, और मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि कैसे क्या हुआ है, नहीं हुआ है और उसके फैक्ट्स क्या है। अब आज एक नया तमाशा शुरू हुआ, उस पर बात करूंगा और आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया है, इसके पीछे का सच क्या है और सत्यपाल मलिक के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। लेकिन पहले आज क्या हुआ, आज मतलब शनिवार को क्या हुआ, आपको पहले वो बता देता हूं। सत्यपाल मलिक, इनको लेकर एक पूरा माहौल बनाया गया कि इनको अरेस्ट कर लिया गया, पूरा माहौल। ये थाने में थे और ट्वीट पे ट्वीट होने लगे कि देखो सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया गया, सीबीआई से पूछताछ की खबर आई, उस बीच आज कहा गया कि अरेस्ट कर लिया गया, और ये बताने का प्रयास किया गया कि नरेंद्र मोदी इतना घबरा गए इनके आरोप से कि इनको अरेस्ट कर लिया। पुलिस, दिल्ली पुलिस कह रही है कि सत्यपाल मलिक को डिटेन तक नहीं किया, हिरासत में भी नहीं लिया, अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि श्री सत्यपाल मलिक फॉर्मर गवर्नर वॉज नीदर अरेस्टेड नॉर डिटेन्ड बाय दिल्ली पुलिस, he on his own volition reached police station RKpuram along with 20 supporters at around 12:30 PM. he remained there for about 2 hours and then left police station around 3 PM. his 24 supporters were also released from police station zafarpur kalan. yani police ye keh rahi hai ki ye aadmi apni marzi se aa gaya police station, iske sath 20 samarthak aa gaye aur wo 2 ghante wahan baithe rahe, na inko detain kiya na inko arrest kiya, aur ye uske baad chale gaye. satyapal malik ka mujhe ek interview dikha जिसमें वो किसी को बता रहे हैं कि ये लोग कहीं डीडीए के पार्क में क्या प्रदर्शन वर्दर्शन का सोच रहे थे, कर भी रहे थे या नहीं पता नहीं, लेकिन उतने में पुलिस आई और इनको डिटेन करके ले गई। तो ये पार्क वाली बात अभी याद रखिएगा, आगे आपको बताऊंगा कि उसका मकसद क्या बताने का। लेकिन अगर इनके हिसाब से पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, इनको पता कैसे चला अरेस्ट किया? अरेस्ट तो कागज पर दिखाना पड़ेगा ना बॉस, दिमाग में आपके अरेस्ट नहीं होता है, अरेस्ट करेगा तो कागज पर दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। लेकिन कागज पे कुछ नहीं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हो गया कि देखिए देखिए इनको अरेस्ट कर लिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस की एक नेता अलका लांबा, उन्होंने क्या लिखा, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को उनके निवास सोम विहार आरकेपुरम से हिरासत में लिया गया, आरकेपुरम थाने ले जाया गया। अब भी आपको लगता है संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता का दबाव नहीं है? ये आदमी खुद एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे जो है वो एक पार्क से जो है डिटेन किया गया। कांग्रेस की नेता कह रही इनके घर से डिटेन कर लिया गया, और ये करे अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस कह रही है हमने, भैया हमने ना अरेस्ट किया ना डिटेन किया, ये आदमी खुद हमारे यहाँ के बैठ गया। तो ये सारा नाटक और तमाशा क्यों चल रहा है, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले खबर ये आई कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को बुलाया है, समन किया है पूछताछ के लिए, और उसका माहौल कांग्रेस ने यह बनाया कि भाई इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इंटरव्यू में बोल दिया, इसलिए सत्य को दबाने का प्रयास हो रहा है। भाई ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले भी बोल रहे थे, ये तो यूपी चुनाव के पहले भी बोल रहे थे, दुनिया भर भर के कह रही थी कि ये आदमी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, इसको पार्टी से निकालते कि नहीं, इसको गवर्नर का पद क्यों दे रखा है, इनका पद भी नहीं लिया गया। तब क्यों नहीं लिया गया? तब नरेंद्र मोदी इनसे नहीं डरते थे, तब इनको नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान कह दिया कि नरेंद्र मोदी बहुत अहंकारी हो गए हैं, उनको किसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमित शाह के बयान के हवाले से एक बयान दे दिया जो बाद में अब इस इंटरव्यू में पलट गए कि अमित शाह ने ऐसा कहा नहीं था, मैंने गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो ये लगातार बोल रहे हैं। तो जब नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, तब नरेंद्र मोदी जो है
वो अपने ही समर्थकों से भले गालियां खाते रहे लेकिन कुछ नहीं किया। तब इन लोगों ने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ क्यों नहीं कर रहे। अब जब इन पर सीबीआई ने बुला लिया पूछताछ के लिए, और सीबीआई ने क्यों बुलाया अभी बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि बहुत गजब ही प्रोपेगेंडा चलता है इस देश के अंदर। आपके होश उड़ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा सीबीआई ने इनको क्यों बुलाया। अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। लेकिन आप सोचिए कि बुला लिया, इसका मतलब जो है इनके खिलाफ माहौल बन रहा है, इनको जो है वो सीबीआई डराने का प्रयास कर रही। हालांकि अमित शाह देश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई हमारे खिलाफ बोलने के मामले में की वजह से इनको नहीं बुलाया है। और उन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन ये हैज बीन कॉल्ड अ सेकेंड और थर्ड टाइम एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, सम न्यू इंफॉर्मेशन और प्रूफ मस्ट हैव कम टू लाइट एंड ही हैज बीन कॉल्ड फॉर थर्ड टाइम। देयर इज नो ट्रूथ इन दैट दैट ही हैज बीन कॉल्ड फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट अस। अमित शाह ने कहा कि भाई हम हमारे खिलाफ बोलने के मामले में नहीं बुलाया, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसकी डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, और उसमें दूसरी या तीसरी बार इनको बुलाया गया है। और उन्होंने ये भी पूछा कि जो ये आदमी कह रहे हैं, आप लोग इनसे ये क्यों नहीं पूछते कि ये सब आपको पहले क्यों नहीं याद आया, इनकी आत्मा अब क्यों जाग रही, व्हाई इज नॉट द सोल अवोकन व्हेन यू आर इन पावर। द क्रेडिबिलिटी ऑफ सच रिमार्क शुड बी सीन बाय पीपल जर्नलिस्ट, इफ ऑल दिस इज ट्रू व्हाई वाज ही क्वाइट व्हेन ही वाज गवर्नर। वही बेसिक सा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि भाई जब आप सत्ता में थे, जब आप गवर्नर थे और आपको लगता है जम्मू कश्मीर के मामले में नरेंद्र मोदी ने ध्यान नहीं दिया, तो आप तब क्यों चुप रहे, आपको उसी वक्त बोलना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको असली प्रोपेगेंडा बताता हूं कि इस देश में कैसे माहौल बनाया जाता है और असली सो कॉल्ड गोदी मीडिया कौन है। देखिए वो लोग, ये आदमी कुछ भी बोले जा रहे हैं सत्यपाल मलिक, और उनको फैक्ट्स के साथ काउंटर भी नहीं कर रहे। आपको मैं बताता हूं कि सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने बुलाया क्यों है, और आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें नरेंद्र मोदी को हिटलर वगैरह बनाने का प्रयास हो रहा है, जबकि ये तो ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का सबूत है। क्योंकि आपको मैं बताता हूं, देखिए ये पूरा मामला क्या है कि सत्यपाल मलिक खुद कह रहे हैं दे वॉन्ट सर्टन क्लैरिफिकेशन फॉर विच दे वॉन्ट माई प्रेजेंस। इनको अरेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया, इनसे सवाल जवाब नहीं, इनको इनसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए सीबीआई को किस मामले। अच्छा, सीबीआई को इन्होंने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूं, 27 से 29 के बीच आ सकता हूं, तभी अवेलेबल, तो सीबीआई ने तभी बुला लिया। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बोला कि आओ इधर आओ। अच्छा, मिस्टर मलिक हैड कैंसर, कहानी क्या ये सुनिए। जब ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो इन्होंने एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, इंश्योरेंस वाली सुविधा जो मिलती है लोगों को उसको लेकर। वो कंपनी किसकी थी? अनिल अंबानी की। और इन्होंने आरोप ये लगाया था कि भाई इसमें मुझे कुछ गड़बड़ियां दिखती हैं। उस मामले में एक एफआईआर दर्ज होती है, सीबीआई ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स को अक्यूज बनाया इस एलिजेड स्कैम, यानी आरोप जो लगा स्कैम का, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम को जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देने के मामले में था। और ये किसके कहने पर, किसने कहा कि भाई ये हम गड़बड़ियां हुई हैं? इन्हीं सत्यपाल मलिक ने कहा, जो आज इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया, और ये नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी के यहां से फोन किया गया कि तुमने अनिल अंबानी की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे खारिज कर दिया, जबकि इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बरखा दत्त को कहा था कि भाई मुझे तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया और किसी भी तरह से करप्शन को बर्दाश्त नहीं करना है। आज ये भाई साहब कुछ भी बोलते, इनका खुद का स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। और आप खुद देखिए, नरेंद्र मोदी सीबीआई का एक्शन करवाते हैं, अनिल अंबानी के खिलाफ, उनकी कंपनी के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज होती है। और उस मामले में जब इनसे सवाल जवाब हो रहा है, ये पूरा मामला, द स्कीम कवरिंग सम 3.5 लाख एम्प्लॉयज वाज रोल्ड आउट इन सितंबर 2018 एंड इट वाज कैंसल्ड विद इन अ मंथ बाय मिस्टर मलिक। इन्होंने ही उस स्कीम को कैंसिल किया। एट दैट टाइम मिस्टर मलिक हैड सेड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वांटेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी कैंसल्ड एज दे फाउंड इट टू बी फ्रॉडुलेंट एंड ही टू ड्रू द सेम कंक्लूजन। यानी जो सरकारी कर्मचारी थे जम्मू कश्मीर के, वो चाहते थे कि ये स्कीम कैंसिल हो जाए, इसमें कुछ गड़बड़ी है, और बोले मैं भी यही चाहता था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ये कह रहे, आई माई सेल्फ वेंट थ्रू फाइल्स एंड व्हेन आई केम टू द कंक्लूजन दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अवॉर्डेड रॉन्गली आई कैंसल्ड इट। यानी जब लगा कि भाई गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब सबसे मेन पॉइंट सुनिए जो आपको हैरान कर देगा। द सीबीआई स्पोक विद मिस्टर मलिक इन सेप्टेंबर लास्ट ईयर फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिगेशंस ही मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस फर्म्स एंड इन एन अनदर केस ऑफ एलिजेड करप्शन इन गिविंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिविल वर्क एट कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट।
यानी अमित शाह झूठ नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी सत्यपाल मलिक को पिछले साल सितंबर में सीबीआई बुलाकर और जानकारी हासिल कर चुकी है कि भाई आपने जो आरोप लगाए उस पर एफआईआर हुई, आपने आरोप लगाया कि गड़बड़ियां की, तो उस पर थोड़ी और जानकारी चाहिए। तो वो जानकारी लेने के लिए, इनके खुद के आरोप पर करप्शन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इनको बुला रही है सीबीआई, और आज पहली बार नहीं, पहले भी बुला चुकी है। लेकिन पूरा तमाशा बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इंटरव्यू में बोल दिया, इसलिए सीबीआई ने मुझे बुला लिया। कोई पूछे तब से पिछले साल सितंबर में काहे बुलाए थे भाई, और आपसे नरेंद्र मोदी को इतनी दिक्कत थी तो आपके कहने पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया, और आपने बरखा दत्त के इंटरव्यू में क्यों कहा था कि नरेंद्र मोदी ने मुझे तारीफ की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर आपको लगता था करप्शन हुआ है तो। लेकिन ये सब ना पूछना आपको बनाएगा एक सो कॉल्ड मसीहा पत्रकार, और ये सब पूछना बनाएगा आपको इनकी नजर में गोदी मीडिया। मैंने कहा ना, ये गोदी मीडिया जो है ये एक हथियार है, ताकि हमारे जैसे लोग जब ये फैक्ट्स रखें और सच बताएं तो ये लोग उस गोदी मीडिया की दीवार के पीछे छिप सके। और आप देखिए सत्यपाल मलिक के पीछे किसका दिमाग है, कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया, आखिरकार पीएम मोदी से रहा न गया, सत्यपाल मलिक जी ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी, अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है, ये तो होना ही था। एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप रहेगा, लिख कर रख लीजिए, गोदी मीडिया चुप नहीं है बॉस, सो कॉल्ड गोदी मीडिया आपकी नजर वाला, वो फैक्ट्स बता रहा है कि सत्यपाल मलिक ने खुद आरोप लगाया, अनिल अंबानी पर लगाया, पीएम ने उस पर कार्रवाई की, सीबीआई को जांच सौंपी, और सीबीआई सिर्फ इनसे पूछताछ कर रही है। गोदी मीडिया तो वो है जो आपकी गोद में बैठा है, जिसे मैं पिद्दी मीडिया कहता हूं, जिसे आप बिस्किट खिलाते हैं, राहुल गांधी, वो सत्यपाल मलिक से काउंटर प्रश्न नहीं कर सकता कि बॉस ये तो आपके ही कहने पे हो रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक के पीछे किसका दिमाग है आप समझ रहे होंगे। जेडीयू, उसने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि सत्यपाल मलिक जो है उनको देखिए इंश्योरेंस केस में फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, ये तो इतने उतावले हो गए कि इन्होंने सत्यपाल मलिक का एक फर्जी ट्विटर अकाउंट जो है किसी और ने चला रखा है, उसका ट्वीट जो है उसको कोट ट्वीट कर दिया और लिख दिया कि पूरा देश आपके साथ है, खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया सर, वो कायर है, सीबीआई के पीछे छिपा है, जब जब इस महान देश पर संकट आया आप जैसे लोगों ने अपने साहस को से उसका मुकाबला किया, वो अनपढ़ है, भ्रष्ट है, गद्दार है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप आगे बढ़ो सर, प्राउड ऑफ यू। जबकि ये ट्वीट ही किसी फेक अकाउंट से हुआ है, ये सत्यपाल मलिक का अकाउंट ही नहीं है, और उसने लिख दिया था मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, शायद इसलिए बुलावा आया, मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं, #CBI। इतना अरविंद केजरीवाल उतावले हो गए। तो ये सारे ट्वीट, ये रिएक्शन, ये माहौल बनाना, ये सब देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि सत्यपाल मलिक जो है उनके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। और ये सारा दिमाग जो है, सारे हथकंडे जो है, वो 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ तो मिल जाएगा, बड़ा डेस्परेट प्रयास है। कुछ नहीं मिला तो एक इंटरव्यू में कुछ भी बुलवाओ, उसके बाद पूरा इकोसिस्टम लगाओ जो उसमें पंप करे, हवा भरे, और उसके बाद जो है कोई भी चीज को कहीं से कहीं उठाकर जोड़ दो, खुद पुलिस थाने में जाकर बैठ जाओ, कह दो अरेस्ट कर लिया, और इकोसिस्टम लग जाए, देखो देखो अरेस्ट कर लिया। लेकिन बॉस झूठ जो है ना फैलता तो बहुत तेजी से है, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है, वो टिक नहीं पाता। सत्य धीरे 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 आगे बढ़ता है, लेकिन वो मजबूत होता है और टिका रहता है। तो ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि झूठ के जरिए नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नीचे उतार ले, ये नहीं हो पाएगा बॉस, ये नहीं हो पाएगा। जितना ऐसा आप झूठ फैलाएंगे, उतना हमारे जैसा कोई देशभक्त आकर सच्चाई बताएगा, और आप जितना एक्सपोज होंगे उतना लोगों पर नरेंद्र मोदी पर विश्वास बढ़ेगा और आपका ग्राफ गिरता चला जाएगा। इसलिए सत्यपाल मलिक के पीछे जो जो भी दिमाग लगा रहे हैं, उन्हें दिमाग लगाना चाहिए जनता के लिए काम करने पर, अपनी जड़ों को मजबूत करने पर, जनता से जुड़ने पर, और झूठ और भ्रम कम फैलाने पर, अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर बनाने पर, तब जाकर आप 2024 में कुछ लड़ाई में आ पाएंगे। ये सब झूठा आरोप लगाकर और झूठी बातें करके नरेंद्र मोदी को हराना तो संभव नहीं लगता। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सत्य धीरे धीरे ही सही ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।